गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैसेज है टी एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है ने हेडिंग्स। देखो पैराग्राफ ए का आंसर है 6th, टाइम एंड प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। पैराग्राफ ए दस्या गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम की सी और उसकी प्लेस की सी। देखो एलन मैकफारलेन थिंक्स ही कुड रीराइट हिस्ट्री, द प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस एट किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, हैज़ लाइक अदर हिस्टोरियंस स्पेंड डिकेड्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एनिगमा ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, उन्हें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अंडरस्टैंड करने के लिए डिकेड्स स्पेंड करती हैं, तो उन्हें मतलब वाई डिड दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इवेंट द वर्ल्ड चेंजिंग बर्थ ऑफ इंडस्ट्री हैपन इन ब्रिटेन। वो कहता है इवेंट ब्रिटेन च ही क्यों होया, तो 18th सेंचुरी च ही क्यों होया। ठीक है, तो यदा आप मतलब इतने इन्होंने अपन दसता कि टाइम की सी 18th सेंचुरी, तो प्लेस की सी ब्रिटेन। ठीक है, इतने आप ऐसे चाह दस्या होया। सो द आंसर इज 6th, टाइम एंड प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। दैन देखो पैराग्राफ बी, यद आंसर है जी 5th, प्री कंडीशन नसैसरी फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो पहला जड़िया कंडीशन चाहिए ने दसिया हुई ने। इतने देखो पैराग्राफ बी, मैकफारलेन कंपेयर्स द क्वेश्चन टू अ पजल, ही क्लेम्स दैट देयर वर अबाउट 20 डिफरेंट फैक्टर्स एंड ऑल ऑफ दैम नीडिड टू बी प्रेजेंट बिफोर द रेवोल्यूशन कुड हैपन। रेवोल्यूशन तो पहला उन्होंने प्रेजेंट होना चाहिदा सी, ता ही रेवोल्यूशन हो सकती सी। ठीक है, दैट मीनस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केड़ियां नसैसरी प्री कंडीशन सीगियां। ठीक है, वो सारे पैराग्राफ मैनशन किया हुआ। सो द आंसर इज 5th। नेक्सट आ जाओ पैराग्राफ सी, यद आंसर है 9th, 2 पॉसीबल सोल्यूशन टू द पजल, पॉसीबल सोल्यूशन दो पजल दे। देखो मोस्ट हिस्टोरियंस हाउएवर आर कन्विंस दैट 1 or 2 मिसिंग फैक्टर्स आर नीडिड टू सॉल्व द पजल। कहते हैं हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि दो मिसिंग फैक्टर ने जोड़े इस पजल नू सॉल्व करने चाहिए ने। द मिसिंग फैक्टर्स की ने, टी एंड बीयर। ठीक है जी, आ दो इन्होंने की दिते हुए ने मिसिंग फैक्टर्स, टू पीसिज ऑफ द पजल कह सकते हैं आप। ठीक है, टू पॉसीबल सोल्यूशन टू द पजल, उत्थे फिर ओवरऑल इतने सारे दोनों का बारे डिस्कशन की गई है। सो द आंसर इज 9th। नेक्सट देखो पैराग्राफ डी, यद आंसर है 4th, फेल्ड टू फाइंड अ प्लॉजिबल कॉज फॉर मिस्ट्री अबाउट लोअर मोर्टैलिटी रेट। कहते जो लोअर मोर्टैलिटी रेट सगा भी है ना, मौतों की जोड़ी गिणती से घट रही थी, वो वास्ते कोई प्लॉजिबल कॉज नहीं मिल पाया। ठीक है, देखो इतने पैराग्राफ डी, हिस्टोरियंस हैड नोटिस वन इंटरस्टिंग फैक्टर अराउंड द मिड 18th सेंचुरी दैट रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन। कहते एक ऐसा इन्होंने चीज़ नोटिस की जिन्हों एक्सप्लेनेशन चाहिए सी, और की सी देखो बिट कि चीज़ सी जिन्होंने एक्सप्लेनेशन चाहिए सी, पॉपुलेशन 16165 to 1740 तक तक की सी स्टैटिक सी। ठीक है, बट फिर वो अचानक बर्स्ट होगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, दैन ये बारे कोई है ना रीज़न नहीं मिल पाया। ठीक है, एफर्ट्स टू एक्सप्लेन दिस सडन रिडक्शन इन चाइल्ड डैथ्स अपीयर्ड टू ड्रॉ ब्लैंक। ठीक है, भी है मतलब ये एफर्ट्स तो किए गए एक्सप्लेन करने लिए, बट कोई प्लॉजिबल जहाँ मतलब कोई वधिया ना सैटिस्फाइबल जहाँ कॉज नहीं मिल पाया इस मिस्ट्री का, भी इन्हें लोअर मोर्टैलिटी रेट क्यों हो गए सी। सो द आंसर इज 4th। नेक्स्ट देखो पैराग्राफ ई, ए आंसर है 8th, रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड चेंजिज ऑफ ड्रिंक इन ब्रिटेन। ब्रिटेन च पॉपुलेशन तो जड़े चेंजिंग ड्रिंक से वो की रिलेशन है, ये दस्या हो पैराग्राफ ई विच। देखो दिस पॉपुलेशन बस सीम टू हैपन एट जस्ट द राइट टाइम टू प्रोवाइड लेबर फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, दैन भी कहते इन्नी क्राउडिड लिविंग सी तो है ना डिजीज़ क्यों नहीं फैलिया उन्होंने। ठीक है, दैन ये आंसर दस रहे हैं गे कि उस टाइम की सीगा इंग्लिश वर प्रोटेक्टेड बाय स्ट्रोंग एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स इन होप्स, कुछ होप्स उन्होंने ड्रिंकिंग वाली चीज़ होंगी है विच ओर रेडी टू मेक बीयर लास्ट, जी बीयर पीते ताकि लॉन्ग लास्टिंग रहे, ज़्यादा टाइम तक बची रहे, उस होप्स पाए जाते और एंटी बैक्टीरियल एजेंट से। ठीक है, दैन वो करके उन्होंने छेती छेती डिजीज़ नहीं लगदिया सगिया। ठीक है, दैन इतने ओवरऑल की दस्या हो पॉपुलेशन तो जोड़े ड्रिंक्स पीते की रिलेशन सगा। नैक्सट देखो पैराग्राफ एफ, यद आंसर है 3, टी ड्रिंकिंग इन जापान एंड ब्रिटेन। ब्रिटेन तो जापान टी ड्रिंकिंग की गल की गया। देखो मैकफारलेन लुकड टू जापान विच वॉज ऑलसो डिवेलपिंग लार्ज सिटीज़। ठीक है, तो वाटर वॉन डिजीज़ इतने भी काफ़ी घट सगिया, कहते भी कि यह टी कल्चर के करके सी। ठीक है, दैन इतने ब्रिटेन की गई है द हिस्ट्री ऑफ टी ट्रीन ब्रिटेन। ठीक है, मतलब दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ टी है जी है ना वो ड्रिंकिंग की गल की गई है। सो द आंसर इज 3rd।
ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 7th ਕੰਕਲੂਜਨ ਡਰਾਨ ਫਰੋਮ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿਦ ਜਪਾਨ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਫ ਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਦਾ ਪਜ਼ਲ ਦੈਨ ਵਾਈ ਡਿਡਨਟ ਦਿਸ ਕੌਜ਼ ਐਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਜਪਾਨ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਟੀ ਹੀ ਇਸ ਪਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਫਿਰ ਜਪਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਪਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬਟ ਜਪਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਪਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲਾਰਜ ਸਿਟੀ ਸੀ ਹਾਈ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੈਲ ਜਪਾਨ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰਗੋਇੰਗ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰਗੋਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਪਾਨ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰਗੋਇੰਗ ਐਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਸ ਵਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾਇਆ ਡਿਵੈਲਪ ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 7th ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 8th ਟੂ 13th ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਦੇਖੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 8th ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਹੈ 9th ਦੇਖੋ ਟੀ ਐਂਡ ਬੀਅਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਪੀਪਲ ਫਰੋਮ ਵਾਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਇਨ ਯੋਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਟੀ ਐਂਡ ਬੀਅਰ ਟੂ ਆਫ ਦ ਨੇਸ਼ਨਸ ਫੇਵਰੇਟ ਡਰਿੰਕਸ ਡਰੋਵ ਦ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਨਿਨ ਦ ਐਕਟਿਵ ਇੰਗਰੀਡੀਅੰਟ ਇਨ ਟੀ ਐਂਡ ਹੋਪਸ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬੀਅਰਸ ਬੋਥ ਕੰਟੇਨ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਨ ਸੀਗਾ ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਪਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਅਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ ਸੱਚ ਆਹ ਐਪੀਡੈਮਿਕਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਬੋਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਡਿਸੈਂਟਰੀ ਇਨ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਟੀ ਐਂਡ ਬੀਅਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਾਟਰ ਮੋਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ 10th ਦੇਖੋ ਰੋਏ ਪੋਰਟਰ ਡਿਸਗਰੀਡ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਥਿਊਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮਿਸਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੋਰਟਰ ਉਹ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦ ਥਿਊਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਊਂਡਸ ਐਕਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਊਰੀ ਐਕਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਟ ਹਿਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਵਰਕ ਦੈਟ ਵੈਂਟ ਇਨ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਹਿਜ਼ ਕੇਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਟਰੈਂਥਨਡ ਬਾਏ ਅ ਫੇਵਰੇਬਲ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਬਾਏ ਰੋਏ ਪੋਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਐਕਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਬਟ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਵਰਕ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਏ ਪੋਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਤਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ ਬਟ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ 11th ਦੇਖੋ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੋਅਰ ਚਾਈਲਡ ਡੈਥਸ ਇਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਬਾਏ ਫੂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਅਰ ਚਾਈਲਡ ਡੈਥਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਲੋਅਰ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫੂਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਦ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਡੀ ਵਿੱਚ ਦ ਓਨਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਫਟ ਵਾਜ਼ ਫੂਡ ਬਟ ਦ ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਵੇਟ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਸ਼ੋ ਅ ਡਿਕਲਾਈਨ ਸੋ ਦਾ ਫੂਡ ਗੋਟ ਵਰਸ ਐਫਰਟਸ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਿਸ ਸਡਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਚਾਈਲਡ ਡੈਥਸ ਅਪੀਅਰਡ ਟੂ ਡਰਾ ਬਲੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੂਡ ਦਾ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਬਚਦਾ ਸੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਵੇਟ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੂਡ 'ਚ ਤਾਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਸੀ ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫੂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬਟ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੂਡ ਨੇ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ 12th ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗਿਵਨ 13th ਦੇਖੋ ਟੈਕਸ ਔਨ ਮਾਲਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਫੈਕਟਡ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਲੇਟ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਈ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਬਟ ਇਨ ਦ ਲੇਟ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ ਅ ਟੈਕਸ ਔਨ ਵਾਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਔਨ ਮਾਲਟ ਦ ਪੂਅਰ ਟਰਨਡ ਟੂ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਜਿਨ ਐਂਡ ਇਨ 1720s ਦ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਬਿਗੇਨ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਅਰ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਮਾਲਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪੂਅਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਾਣੀ ਔਰ ਜਿਨ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਟ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 'ਤੇ ਫੋਸਲ ਫਾਈਲਸ ਦਾ ਪੈਲੀਓਬਾਇਲੋਜੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇਖੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 14-19 ਹੈਗੇ ਆ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਏ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 3 ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਦਿਸ ਪੈਲੀਓਬਾਇਲੋਜੀ ਡਾਟਾ ਪੈਲੀਓਬਾਇਲੋਜੀ ਡਾਟਾ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਏ ਵਿੱਚ
A new project aims to fill some of the gaps. ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੁਝ ਗੈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਏਮਸ ਟੂ ਫਿਲ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਗੈਪਸ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਪਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਏਮ ਹੈ ਪਰਪਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਐਸਪਾਇਰਸ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਐਵਰੀ ਫੋਸਿਲ ਐਵਰ ਡਗ ਅਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੋਸਿਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਪਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 3 15th ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫਸਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਰਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟਸ ਇਨ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਐਰਰ ਸੀਗੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਰਰ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਟ ਆਲਰੇਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਅਟਰੈਕਟਿੰਗ ਹਾਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਸਮ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਫਲੋਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਫਲੋਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਕੀ ਐਰਰਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਰਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟਸ ਇਨ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਸਪੋਰਟਰ ਆਫ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਰੀਕਲੀਅਰਡ ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਰੀਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਐਕਚੁਲੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦ ਫੋਸਿਲ ਰਿਕਾਰਡ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਸਟ ਟੂਲ ਵੀ ਹੈਵ ਫੋਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹਾਊ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਇਨ ਨੋਰਮਲ ਟਾਈਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਸਿਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੌਨ ਐਲ ਰੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੀਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਡੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 6th ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਪੈਲੀਓਬਾਇਲੋਜੀ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਸਾਇੰਸ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ ਦੇਖੋ ਟੂ ਦਿਸ ਐਂਡ ਪੈਲੀਓਬਾਇਲੋਜੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਏਮਸ ਟੂ ਬੀ ਮੋਸਟ ਥੋਰੋ ਅਟੈਂਪਟ ਯੈਟ ਟੂ ਕਮ ਅਪ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਗਲੋਬਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਰਵਸ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਆਲਰੇਡੀ ਦ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈਜ਼ ਥਰੋਨ ਅਪ ਸਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 6th ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਈ 'ਤੇ ਦ ਆਨਸਰ ਫੋਰ ਈ ਇਜ਼ 5th ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਰੀਡ ਬਟ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਰੀਡ ਦੀ ਬਰੀਡ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸੇਮ ਬਰੀਡਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਈ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆਫਨ ਐਂਡ ਅਪ ਵਿਦ ਸੈਵਰਲ ਨੇਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਮਿਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਅਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟੈਕਸੋਨੋਮਿਸਟਸ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੇਮ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਸੇਮ ਬਰੀਡਸ ਦੇ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 5th ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਫ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 4th ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਸਮ ਸਰਟੇਨ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਵਰ ਨੋਟ ਇੰਕਲੂਡਿਡ ਇਨ ਇਟ ਕੁਝ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਫਕੋਰਸ ਦ ਫੋਸਿਲ ਰਿਕਾਰਡ ਇਜ਼ ਅਨਡੀਨਾਇਬਲੀ ਪੈਚੀ ਸਮ ਪਲੇਸਿਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮਸ ਹੈਵ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਮੋਰ ਫੋਸਿਲ ਫਿਲਡ ਰੌਕਸ ਦੈਨ ਅਦਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਈ ਪਰ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸੇ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਕ ਜੈਲੀਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਆਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਇਲਰੋਇਡ ਨੇ ਆਲਸੋ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਸ ਹੈ ਨਾ ਫੋਸਿਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗੈਪਸ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਓਨਲੀ 41% ਆਫ ਨੋਰਥ ਅਮੈਰੀਕਨ ਮੈਮਲਸ ਹੈ ਦੈਟ ਹੈਵ ਐਵਰ ਲਿਵਡ ਆਰ ਨੋਨ ਫਰੋਮ ਫੋਸਿਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ 41% ਨੋਰਥ ਅਮੈਰੀਕਨ ਮੈਮਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਸਿਲਸ ਤੋਂ ਨੋਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਸਸਪੈਕਟਸ ਦੈਟ ਅ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਸਿਲਸ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਗਰੁੱਪਸ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੈਂਪਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਆਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੈਪਸ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਟੇਨ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋ ਪਾਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੋਸਿਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਐਡ ਹੋ ਪਾਏ ਗੈਪਸ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਹੋ ਪਾਏ ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 4th ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ 20th ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵੁੱਡ ਹੈਲਪ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਆਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੌਨ ਐਲਰੋਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੌਨ ਐਲਰੋਏ ਆ ਰਿਸਰਚ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦੈਟ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ
limits were approached many tens of millions of years before the dinosaur evolved. कहते diversity limits approach हो चुकी हैं सीखें भी इस तो बाद diversity तो आ ही नहीं सकती ठीक है तो much less suffered extinction ठीक है this suggests that only a certain number of species can live on earth at a time ठीक है भी एक time ते earth ते certain number of species ही रह सकती हैं ने filling a prescribed number of niches like spaces in a multi-story car park ठीक है then मतलब इन्हें कहा भी अगर database create हो गया ठीक है तो जड़े साइंटिस्ट्स ने गए वो की कर सकते ने कनेक्शन लभ सकते ने सारी स्पीशीज विच ठीक है भी एक टाइम तो इन ही स्पीशीज क्यों सीगिया ठीक है ज़्यादा क्यों नहीं सीगिया ठीक है देखो अगे आ भी कह रहे हैं एलरॉय हैड ऑलसो यूज द डाटाबेस टू रीअसैस द एक्यूरेसी ऑफ स्पीशीज नेम ठीक है उन्होंने स्पीशीज़ के नेम भी है ना भी उन्होंने क्लासीफिकेशन वगैरह पता लगानी सारी भी उन्होंने की कनैक्शन ने गए ठीक है दैन बेसिकली आ डाटाबेस बारे किने कहा कि इस साइंटिस्ट की हेल्प करूगा जॉन एलरॉय ने नैक्सट आ जाओ 21st बिलीवड इन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स शुड कवर बियॉन्ड द नोन स्पीशीज कहते जोड़िया हर डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स ने इस जोड़िया नोन स्पीशीज ने उन्होंने तो बियॉन्ड की भी होनी चाहिए इनफॉर्मेशन होनी चाहिए गल किने कही आंसर इज डी एडवर्ड ओ विल्सन देखो अपने पैराग्राफ जी विच इत्थे कह रहे ने इन योर पैराग्राफ एच इतने देखो कह रहे हैं एडवर्ड ओ विल्सन हु इज अलार्म्ड बाय करंट रेट्स ऑफ एक्सटिंक्शन देर इज़ अ क्राइसिस वी हैव बिगन टू मेजर एंड इट्स वेरी हाई वी नीड दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन मच मोर डिटेल टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ बायोडावर्सिटी नॉट जस्ट द वंस वी यू नो वैल कहते सिर्फ उही नहीं भी जेडे आपां पता ने नोन स्पीशीज ही इंफॉर्मेशन नहीं बट इस सारी बायोडावर्सिटी की इनफॉर्मेशन होनी चाहिए है ठीक है भी इसने इस चीज़ बिलीव किया कि डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स होनिया चाहिए नेगियाँ ठीक है जी सो द आंसर इज डी 22nd देखो रीच द कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग टू ट्रिमेंडस स्पीशीज डाई आउट जिड़िया कहते इन सारिया स्पीशीज डाई आउट हो रही से तो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी जी कंकलूजन तो आ गया कोई कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग द आंसर इज सी डेविड जेब्लॉन्सकी ठीक है देखो इतने ना पैराग्राफ जी विच गल कर रहे हैं कि मास एक्सटिंक्शन वगैरह की गल कर रहे हैं भी ना जो काफ़ी सारी स्पीसीज बहुत अचानक डिस हो गई सी ना एक्सटिंक्ट हो गई सी बट इतने देखो इनडीड रीसेंट थोरो एग्जामीनेशन ऑफ द लिटरेचर ऑन मरीन बिवॉल फॉसिल्स हैज कन्विंस्ड डेविड जेब्लॉन्सकी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एंड हिज कलीग्स दैट देयर डाइवर्सिटी हैज़ इंक्रीज स्टेडीली ओवर द पास्ट 5 मिलियंस उत्थे तक कह रहे हैं कि जिहड़ी सीगी एक्सटिंक्शनस हो रही सी इत्थे कह रहा कि डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है ठीक है वो कह रहे हैं एक्सटिंक्शन हो रही ने ठीक है दैट मीनस एक कॉन्ट्राडिक्टरी जी चीज़ तो आ गया होता कह रहे स्पीशीज डाई आउट हो रही ने कि यह कह रहे कि डायवर्सिटी इंक्रीज हो रही है सो द आंसर फॉर 22nd इज सी 23rd टू 24 देखो आप दो दसने इन्हों के ऑप्शन ठीक है भी केड़ा केड़ा सही है देखो एक तो पहले बायोलॉजी डाटाबेस बारे दसना है एक तो यदा ऑप्शन है बी इंट्रीग्स बोथ पॉजिटिव एंड नैगेटिव ओपीनियंस फ्रॉम वेरियस एक्सपर्ट्स डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स तो बोथ पॉजिटिव तो नैगेटिव ओपीनियन ले रहा है देखो अपने पैराग्राफ बी विच बट ऑलरेडी द प्रोजेक्ट इज अट्रैक्टिंग हार्स क्रिटिसिजम ठीक है कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं भी सीरीयसली फ्लॉड है डैट मीनस इन्हों नैगेटिव ओपीनियंस मिल रहे हैं ठीक है बट आप पैराग्राफ सी च पढ़ते हैं कि कुछ फैनस ऑफ डाटा पैलोलॉजी पैलियोबायोलॉजी डाटाबेस एक्नोलेज दैट द फॉसिल रिकॉर्ड विल ऑलवेज बी इनकम्प्लीट ठीक है दे सी वैल्यू इन लुकिंग फॉर ग्लोबल पैटर्न दैट शो रिलेटिव चेंजेस इन बायोडावर्सिटी ठीक है दैट मीनस ये तो ये सपोर्ट कर रहे हैं जेडे आ वाले इन्हें फैनस ने ठीक है बट इन नैगेटिव क्रिटिसिजम भी मिल रहे हैं ठीक है बहुत पॉजिटिव तो नैगेटिव ओपीनियनस आते हैं इस डाटाबेस में सो द आंसर बी नैक्सट का आंसर है डी एम्स टू एम्बरेस ऑल फॉसिल इंफॉर्मेशन ग्लोबली कहते ग्लोबली जिनी भी फॉसिल इंफॉर्मेशन उन्होंने सारी ही अपने इंक्लूड करना चाहता है एम्ब्रेस करना चाहता है देखो अपने पैराग्राफ ए च द पैलियो बायोलॉजी डाटाबेस एसपायर्स टू बी एन आउटलाइन रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी फॉसिल एवर डग अप कहते अज तक जड़ा मर्जी फॉसिल जड़ा डग अप होया है ये बारे सारी इंफॉर्मेशन है ठीक है दैट मीनस सारे है ना ग्लोबली जिन्ने भी हर एक फॉसिल एवरी फॉसिल डग अप जड़ा अज तक एक भी फॉसिल सारे फॉसिल्स डग अप होने दैट मीनस ग्लोबली ही गल कर रहे हैं है ना एक एक फॉसिल की इंफॉर्मेशन है सो द आंसर इज डी 25th तो देखो According to passage, jellyfish belongs to which category of the paleobiology database? कहती जी आए jellyfish है किस category नू belong करती है The answer is B, untraceable species. देखो अपने paragraph
एफ बिच इत्थे मतलब जैलीफिश की गल हो रही है, ठीक है। इत्थे कह रहे हैं कि ऑफकोर्स द फॉसिल रिकॉर्ड इज़ अनडिनाइबली पैची, कहते ऑफकोर्स जोड़ा फॉसिल रिकॉर्ड है वो पैची है, मतलब उस कुछ कितने कितने पैचेज़ ने गे, पैचेज़ इन द सेंस गैप्स ने भी है ना, उस बारे कोई इनफॉर्मेशन है नहीं गी, ठीक है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल की दी इतने जैलीफिश, लाइक जैलीफिश विल ऑलवेज रिमेन अ मिस्ट्री, ठीक है। दैट मीनस जैलीफिश किस कैटेगरी में बिलोंग कर रही है, इतने अनट्रेसेबल स्पीशीज़ जिन्हों बारे कोई इनफॉर्मेशन नहीं हैगी, ठीक है, जिहड़ियां ट्रेस ही नहीं कीतियां गईयां हुण तक, ठीक है जी। सो द आंसर इज बी 26। देखो वट इज़ द ऑथर द सजैशन अकॉर्डिंग टू द एंड ऑफ पैसेज, एंड ऑफ पैसेज ते ऑथर का की सजैशन आ रहा है। द आंसर इज सी ट्राई टू क्रिएट अ डाटाबेस ऑफ लिविंग क्रिएचर, लिविंग क्रिएचर का कहें डाटाबेस क्रिएट करो विद एन इनवेंट्री, लास्ट पैराग्राफ देखो विद एन इनवेंट्री ऑफ ऑल लिविंग स्पीशीज इकोलॉजिस्ट कुड स्टार्ट टू पुट द करंट बायोडावर्सिटी क्राइसिस इन हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव, कहते अगर सारे लिविंग स्पीशीज की एक इनवेंट्री बना दी जाए तो जो इकोलॉजिस्ट ने की ने जो हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव दिखा सकते हैं जो करंट बायोडावर्सिटी क्राइसिस है। डैट मीनस ये की कह रहे हैं कि जिन्हें भी लिविंग क्रिएचर्स ने लिविंग स्पीशीज ने उन्हों का की करो एक डाटाबेस क्रिएट करो इनवेंट्री। सो द आंसर इज सी। नैक्सट आ जाओ अपने सैक्शन सी ते कम्युनिकेशन इन साइंस। देखो अपने क्वेश्चन नंबर 27 to 31 MCQs ने 27 देखो वाई द फेथफुल साइंस कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट, जी कहते फेथफुल साइंस कम्युनिकेशन है क्यों इंपॉर्टेंट है। द आंसर इज ए बिकॉज साइंस प्लेज एन इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट रोल इन पीपल्स लाइफ। देखो थोड़े पैराग्राफ की बिल्कुल फर्स्ट लाइन, साइंस प्लेज एन इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट रोल इन पीपल्स लाइफ मेकिंग द फेथफुल कम्युनिकेशन ऑफ साइंटिफिक डिवेलपमेंट्स मोर इंपॉर्टेंट दैन एवर, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट हो रही ने, क्योंकि जी साइंस है वो लोगों की लाइफ इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है। सो द आंसर इज ए। 28 तो देखो वट इज़ द रीज़न दैट द ऑथर बिलीव फॉर द बिगैसट चैलेंजेस फॉर साइंस रिपोर्टिंग, बिगैसट चैलेंजेस फॉर साइंस रिपोर्टिंग के पिछले ऑथर की बिलीव करता भी की रीज़न है। द आंसर इज़ सी साइंटिस्ट डू नॉट कंप्लीटली कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग ऑफ सर्टेन साइंटिफिक एवोल्यूशन, कहते जो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी साइंटिफिक एवोल्यूशन है जिदा मीनिंग प्रॉपरली कंप्रीहेंड नहीं कर पाते, नहीं करते, समझते नहीं। द आंसर इज़ सी एंड इट्स इन योर पैराग्राफ बी। देखो बट मैनी ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर साइंस रिपोर्टिंग अराइज बिकॉज इन एरियाज ऑफ इवॉल्विंग रिसर्च साइंटिस्ट दैमसेल्स ऑफन ओनली पार्टली अंडरस्टैंड द फुल एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर एडवांस और डिवेलपमेंट, कहते कुछ ऐसे इवॉल्विंग एरियाज खुद साइंटिस्ट ही मतलब पार्टली मतलब थोड़ी मोटी जी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उस जी पर्टिकुलर एडवांस या डिवेलपमेंट है वह की इंप्लीकेशनस ने, ठीक है जी। ऑप्शन भी यही कह रहे हैं कि कंप्लीटली नहीं कॉम्प्रीहेंड करते मीनिंग, ठीक है। इतने भी सेम कर रहे हैं कि पार्टली अंडरस्टैंड करते हैं, दैट मीनस कंप्लीटली नहीं करते। सो द आंसर इज सी। 29 देखो अकॉर्डिंग टू द थर्ड पैराग्राफ द रेफरेंस टू द टर्म एंड एग्जाम्पल ऑफ थियरी ऑफ रिलेटिविटी टू डेमोस्ट्रेट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एग्जाम्पल किस चीज़ में डेमोस्ट्रेट करने लिती गई है। द आंसर इज बी कॉमन पीपल मे बी मिसलैड बाय द इनएक्यूरेट चॉइस ऑफ साइंटिफिक फ्रेज, कहते जो कॉमन पीपल ने साइंटिफिक फ्रेजिज की इनएक्यूरेट चॉइस ना मिसलैड हो सकते हैं, भी किसी चीज़ का ना इनएक्यूरेट नाम रख देना तो वो करके लोग की ना मिसलीड हो सकते हैं। देखो द टर्म रिलेटिविटी इज इंट्रेंसिकली मिसलीडिंग, कहते मिसलीडिंग है मैनी पीपल इंटरप्रेट द थ्योरी टू मीन दैट एवरीथिंग इज रिलेटिव एंड देर आर नो एब्सोल्यूट, मतलब ये लोगों को की कर रही है रिलेटिविटी मिसलीड कर दी है, ठीक है। दैन इतने एज एग्जाम्पल भी यूज किया गया आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज रियली अबाउट फाइंडिंग द इनवेरिएंट डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल फिनोमिना, ठीक है सीगी इदा, ठीक है। बट की है भी है ना आइंस्टाइन भी चाहता सी अपनी थ्योरी का कुछ होर नाम रख दे, ठीक है, बिकॉज ये किसी लोग मिसलीड हो रहे थे, ठीक है जी। मतलब की है कॉमन पीपल मे बी मिसलेड बाय द इनएक्यूरेट चॉइस ऑफ साइंटिफिक फ्रेज, द आंसर बी। 30 देखो विच वन इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इन ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस, एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस की कि इतने एक गुड एग्जाम्पल आ, द आंसर इज डी फ्रियॉन्स डिस्ट्रक्टिव प्रोसैस ऑन एनवायरमेंट, फ्रियॉन द डिस्ट्रक्टिव प्रोसैस। देखो इतने ना पैराग्राफ जी च लिखा होया है sometimes science sometimes transcends this limitation remarkably chemists were able to detail the precise chemical processes involved in the destruction of ozone, kehnde kade kade hunda remarkably matlab bahut hai na remarkable ji gall hai ki ha science chemist hai na kai bar precise chemical processes nu detail karan ch hai na oh ho jande ne successful ho jande ne, theek hai, jidda ki unna ne ozone layer di destruction utte kiti si gi, theek hai, vi ye matlab ik
उन्होंने डिटेल च समझाया सारा ना भी कैमिकल प्रोसैस की है, मतलब इतने एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस की गल की गई है, ठीक है। देखो टर्मिनोलॉजीज़ की, ठीक है, एंड ऑल कहें भी मतलब एक ऐसी एग्जाम्पल है भी, है ना, जिदे थ्रू लोगों ने सारा कुछ समझ आ गया डिटेल द प्रिसाइज कैमिकल प्रोसैस, जी प्रिसाइज कैमिकल प्रोसैस उन्होंने डिटेल करते हैं पूरा, इनवॉल्व इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन मेकिंग द एविडेंस दैट सी एफ सीज गैसिज वर डिस्ट्रॉइंग द ओजोन लेयर इनडिस्प्यूटेबल, ठीक है। भी इन्होंने जड़ी सीगी दी दिती है ना फ्रीऑन की एग्जाम्पल दिती, जड़ी फ्रीऑन की डिस्ट्रक्टिव प्रोसैस है, है ना, वो उत्ते ओजोन उत्ते, ठीक है, भी वो जी इन्होंने दिती इनडिसप्यूटेबल सी, ठीक है, दैट मीनस वो की से एप्रोप्रिएट सी, इनडिसप्यूट मतलब वो उत्ते कोई भी लैके ना कोई भी सॉर्ट ऑफ डाउट नहीं सीगा, ठीक है, दैट मीनस वो एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस से कि फ्रीऑन वाली दी। सो द आंसर इज डी। 31st देखो वट इज सरप्राइजिंग फाइंडिंग ऑफ द हार्वर्ड डिबेट्स इन दिस पैसेज, जड़ी हार्वर्ड डिबेट्स ने सरप्राइजिंग फाइंडिंग की आ, द आंसर इज बी द प्रूफ अप्लाइड बाय बोथ साइड सीम टू बी ऑफ नो बिग डिफरेंस, कहते जो दोनों साइडों वालों प्रूफ अप्लाई किया गया बिल्कुल डिफरेंट नहीं सी, मतलब है ना कोई उस खास डिफरेंट है डिफरेंस है नहीं सीगा। देखो अपने पैराग्राफ एच विच One of the more amusing aspects of the discussion was that those who believed in differences and those who didn't used the same evidence. कहते जड़े लोग differences च believe करते सी ते जड़े नहीं करते सी दोनों ने same evidence use किया about gender specific special ability, मतलब दोनों sides ने की किया same proof apply किया evidence proof apply किया जड़ा कि same सी with no big difference. So the answer is B. 32 to 35 देखो yes no true false not given. 32nd देखो ग्लोबल वार्मिंग साइंटिफिकली रेफर्स टू ग्रेटर फ्लक्चुएशन इन टैंपरेचर एंड रेनफॉल रादर दैन अ यूनिवर्सल टैंपरेचर राइज, कहते ग्लोबल वार्मिंग का है ना साइंटिफिक मतलब यह है कि टैंपरेचर से ज़्यादा फ्लक्चुएशन आनी है तो रेनफॉल च रादर दैन यूनिवर्सल टैंपरेचर राइज, द आंसर इज ट्रू। देखो अपने पैराग्राफ जी च ग्लोबल वार्मिंग इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लमैटिक टर्मिनोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजिस्ट प्रडिक्ट मोर ड्रास्टिक फ्लक्चुएशन इन टैंपरेचर एंड रेनफॉल नॉट नेसेसरीली दैट एवरी प्लेस विल बी वार्मर, कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग यही है कि ड्रास्टिक फ्लक्चुएशन आ रही हैं टैंपरेचर से, ग्रेटर फ्लक्चुएशन आ रही हैं टैंपरेचर से रेनफॉल च, बट यदा मतलब यह नहीं कि सारे कितने ज़्यादा गर्मी होगी, मतलब ग्लोबल या यूनिवर्सल टैंपरेचर राइज नहीं होगा, ग्लोबल टैंपरेचर वार्मिंग का मतलब यह नहीं है, वह मेजरली की मतलब है कि टैंपरेचर और रेनफॉल से ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही हैं, सेम गल क्वेश्चन कह रहे हैं, सो द आंसर इज ट्रू। 33rd एंड 34th आर नॉट गिवन। 35th देखो पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सैप्टेंस ऑफ इनडायरैक्ट साइंटिफिक एविडेंस इन ऑल केसिज वुड लीड टू कन्फ्यूजन, कहते अगर पब्लिक अंडरस्टैंड कर ले तो एक्सैप्ट कर ले है ना सारा इनडायरैक्ट साइंटिफिक एविडेंस तो की हो वो करके कन्फ्यूजन हो जूगी, द आंसर इज फॉल्स। देखो इन योर पैराग्राफ एच अ बैटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमैटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्ट एंड लैस इंसिस्टेंस ऑन अ सिंपल स्टोरी वुड हैल्प टू क्लैरीफाई मैनी साइंटिफिक डिस्कशंस, कहते अगर एक बैटर अंडरस्टैंडिंग हो लैस इंसिस्टेंस हो, मतलब इंसिस्ट करना किसी चीज़ में ना लैस इंसिस्टेंस हो, मतलब कि अंडर एक्सैप्टेंस हो, ठीक है, दैन वोद की होगी क्लैरीफाई हो जाएगा काफ़ी साइंटिफिक डिस्कशनस, बट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर अंडरस्टैंडिंग एक्सैप्टेंस होगी तो कन्फ्यूजन होगी, इतने कह रहे हैं कि साइंटिफिक जड़िया डिस्कशनस जो क्लैरीफाई हो, ठीक है, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, सो द आंसर इज फॉल्स। नैक्सट आ जाओ अपनी 36 to 40 ब्लैंक्स समरी कंप्लीट करनी है अपने। देखो साइंस कम्युनिकेशन इज फ्रॉट विद चैलेंजेस दैट कैन ईजली डिस्टॉर्ट डिस्कशंस लीडिंग टू अननेसेसरी कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फर्स्टली एम्बिगुअस डैस आर द सोर्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एम्बिगुअस है कोई चीज़ सोर्स है मिसअंडरस्टैंडिंग्स का, की द आंसर इज वर्ड चॉइसिस, देखो इन पैराग्राफ सी एम्बिगुअस वर्ड चॉइसिस आर द सोर्स ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग, सो द आंसर इज वर्ड चॉइसिस। नेक्स्ट देखो कॉमन पीपल विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग डू नॉट अंडरस्टैंड क्लीयरली और डीपली अ स्पेसिफिक साइंटिफिक मीनिंग वाया द डैश, कहते जो कॉमन पीपल ने नहीं समझ सकते हैं है ना किसी साइंटिफिक चीज़ का मीनिंग थ्रू वट, द आंसर इज कोलोकियल टर्मिनोलॉजी। देखो साइंटिस्ट ऑफन एम्प्लॉय कोलोकियल टर्मिनोलॉजी विच दे दैन असाइन अ स्पेसिफिक मीनिंग दैट इज इंपॉसिबल टू फैदम विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, कहते अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हैगी तो है ना कोलोकियल टर्मिनोलॉजी के नाल भी नहीं समझ आ सकते साइंटिफिक मीनिंग, ठीक है जी, सो द आंसर इज कोलोकियल टर्मिनोलॉजी। नैक्सट देखो बिसाइड्स द मैजरमेंट्स एनी डैश मेक्स कैन नॉट बी कन्फाइंड टू डिस्क्राइब इन एन डैश, कहते एक मैजरमेंट जरा कौन बनाता है, द आंसर इज ऑब्जर्वर। देखो पैराग्राफ सी च या टॉल दो द मैजरमेंट्स एनी ऑब्जर्वर मेक डिपेंड अपॉन हिज कोऑर्डिनेट्स, कौन बनाता ऑब्जर्वे मैजरमेंट्स लेंदा है, द आंसर इज ऑब्जर्वर। नैक्सट आ जाओ
cannot be confined to describe in a constant dash. किसे constant चीज़ च किद्दां नहीं हो मतलब कन्फाइन की जा सकती किस चीज़ च. द आंसर इज इन वेरियंट डिस्क्रिप्शन. देखो ही मैजर्स हैव एन इन वेरियंट डिस्क्रिप्शन दैट ट्रांसेंड्स दैट ऑब्जर्वर्स पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स. कहते हैं खुद दिया कोऑर्डिनेट्स भी ट्रांसेंड कर जाते हैं मतलब उस तो भी अगे निकल जाते हैं. ठीक है दैट मीनस उन्होंने की किया जाता उन्होंने मैजरमेंट्स कन्फाइन नहीं किया जा सकता मतलब किसी बाउंड्री नहीं रखा जा सकता तो ऑब्जर्वर के पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स भी ट्रांसेंड कर जाते हैं. की चीज़ इन वेरियंट डिस्क्रिप्शन. सो द आंसर इज इन वेरियंट डिस्क्रिप्शन. नैक्सट आ जाओ लास्ट ते. अ गुड एग्जाम्पल कैन बी द थ्योरी ऑफ डैश. ठीक है थ्योरीज aren't necessarily shown to be correct or complete immediately since scientists often evolved better version of science specific theories. A good example is cheez di ek vadhiya example ki hai kehnde theories hamesha necessary nahi ki vi hana correct te complete hi hana show kite jaan since kehnde scientists ne better version evolve kar le ne. theek hai te edi ek good example ki hai the theory of general relativity. ठीक है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी रियली अबाउट फाइंडिंग एन इनवेरिएंट डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल फिनोमिना. ठीक है दैन मतलब इतने अपन एक ही थ्योरी के एग्जाम्पल है थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी या कल्ला जनरल रिलेटिविटी. सो द आंसर इज जनरल रिलेटिविटी. दिस इज द एंड ऑफ योर रीडिंग. थैंक यू.